और आज की कवर स्टोरी आप मेरे पीछे तस्वीरों को देख पा रहे होंगे, यही है आज की हमारी कवर स्टोरी। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर चर्चा में है। यमुना में झाग वाली तस्वीरें फिर इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं और इस झाग के बहाने एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। यमुना में झाग दिखने की तस्वीरें सुबह से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों के बहाने एक बार फिर विपक्ष ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्नोफॉल करवा दिया। वहीं कुमार विश्वास ने भी यमुना में झाग को लेकर केजरीवाल सरकार पर तंज कसा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले ही एक बार फिर यमुना नदी को साफ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। वैसे तो पानी में झाग बनना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन यमुना नदी का यह हाल हर साल देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यमुना नदी के पानी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसमें झाग बनता ही रहता है। यमुना नदी की कहानी बताने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर नदी या समुद्र के पानी में किन वजहों से झाग बनता है। दरअसल पौधों के मृत और सड़ने वाले हिस्से में जो फैट के अणु होते हैं और पानी में ये अच्छे से घुल नहीं पाते, ये पानी की सतह पर एक अदृश्य परत के तौर पर बने होते हैं और जैसे ही पानी हिलता डुलता है या लहरें आती हैं तो इसमें झाग में ये बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी डिटर्जेंट जब आप पानी में डालते हैं तो उस वक्त झाग नहीं बनता, लेकिन जैसे ही उसमें हलचल होती है, थोड़ा उसको हिलाया जाता है तो झाग बनना शुरू होता है। यही कहानी नदी की भी है, लेकिन यमुना में बनने वाला झाग काफी अलग है और इसके बनने की प्रक्रिया प्राकृतिक नहीं है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो यमुना नदी के पानी में जो झाग बन रहा है उसके पीछे इंडस्ट्रीज के केमिकल के रूप में निकला फॉस्फेट है। यमुनोत्री से इलाहाबाद तक यमुना नदी 1370 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। वजीराबाद और ओखला जो कि दिल्ली में है, इसके बीच में 22 किलोमीटर का हिस्सा जो यमुना की कुल लंबाई का 2% से भी कम है। जी हाँ, 2% से भी कम। नदी का यही 2% से भी कम हिस्सा पूरी नदी में 80% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इस प्रदूषण की वजह बनती है दिल्ली, हरियाणा और यूपी से आने वाली अनट्रीटेड सीवेज। जी हाँ, विशेषज्ञों के मुताबिक इस अनट्रीटेड सीवेज में फॉस्फेट और सर्फेक्टेंट होते हैं जिनकी नदी में मिल जाने से झाग बनता है। अब इसके अलावा दिल्ली की जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं उनसे आने वाला गंदा पानी और जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला गंदा पानी है नदी में प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। अब धीरे धीरे पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो पीने के लायक भी नहीं रह जाता। यमुना के पानी पर प्रदूषण की सफेद चादर इस झाग के रूप में तैरती रहती है, लेकिन यमुना के वर्तमान हालात एक दिन के नहीं हैं, बल्कि पिछले 2 दशक से यमुना नदी प्रदूषित हो रही है। पिछले 2 दशक से ही यमुना की सफाई का अभियान चल रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से 2021 में 9 सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई, लेकिन नतीजा अभी तक कोई खास नहीं निकल पाया। दिल्ली सरकार की तरफ से अपने बजट में यमुना सफाई अभियान के लिए 2074 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन नतीजा कुछ सामने दिखाई नहीं देता। यमुना पर सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र की तरफ से भी पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। केंद्र सरकार बीते 2 दशक से 1500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 4000 करोड़ से ज्यादा के 24 प्रोजेक्ट शुरू किए गए, उनमें सबसे ज्यादा 13 प्रोजेक्ट दिल्ली में हैं, लेकिन 2021 तक इनमें से केवल 2 का काम ही पूरा हुआ है। यमुना नदी का प्रदूषण चुनावी वादों से लेकर बजट में आवंटन तक हर जगह गूंजता है, लेकिन स्थिति में बदलाव अगर होता तो हमें आपको ये तस्वीरें दिखानी नहीं पड़ती। हर साल यमुना की झाग वाली तस्वीरें वायरल होती हैं, सरकार की तरफ से नदी को साफ करने के दावे होते हैं और आखिर में यही तस्वीरें हम सबके सामने होती हैं।